हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंस्पायर्ड बाय ड्रीम्स। आज इस वीडियो में मैं बहुत ही आसान सा क्लीनिंग हैक शेयर करने वाली हूँ, जिसे अगर आप अपनाएंगे तो आपका काम भी बहुत ही आसान हो जाएगा। इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ कि किस तरह से हम अपने पीतल और तांबे के बर्तनों को बिना घिसे हुए बहुत ही आसानी से साफ़ कर सकते हैं, उन्हें चमकदार बना सकते हैं बिल्कुल नए जैसा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आपको ये हैक से बहुत ही ज़्यादा सुविधा होगा। सो वीडियो को हम अब स्टार्ट करने वाले हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे जो पीतल और तांबे के बर्तन हैं वो किस तरीके से बहुत ही ज़्यादा सुंदर, साफ, स्वच्छ और बिल्कुल नए बन गए हैं। मैंने इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं किया है इसे साफ़ करने के लिए, ये बिल्कुल जादू से हो गया है ऐसा लग रहा था मुझे। मैंने इसे पहली बार ट्राई किया है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये है साइट्रिक एसिड पाउडर। इसे हम किसी भी जनरल स्टोर से, किसी भी सुपरमार्केट से या ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। ये बहुत ही सस्ता होता है। जितने पानी में हमारा बर्तन जो है वो आसानी से डूब जाए, हमें उतना पानी लेना है। उसमें ये मैं दानेदार जो साइट्रिक एसिड है, ये पाउडर है, इसे मैं उसमें मिला रही हूँ। ये इस तरीके का है ये पाउडर, मैंने इसे मिलाया और मैंने ये पूरा पैकेट डाल दिया ताकि जो हमारे बर्तन हैं वो बहुत ही अच्छे से साफ़ हो। अब मैं इसे अच्छे से मिला के 2-3 मिनट इसे एक्टिवेट होने के लिए छोड़ दूंगी, ताकि वो जो पाउडर है वो अच्छे से घुल जाए और हमारा जो सॉल्यूशन बने वो अच्छे से एक्टिवेट हो जाए। अब ये तांबे का जो ये बर्तन है, इसे मैं इसमें डुबा रही हूँ। मैं ये पहली बार कर रही हूँ इसलिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि इसका कलर किस तरह से नए जैसा हो जाता है। मुझे लगा था ये डालते ही नया हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। मैंने इसे थोड़ा इसमें पानी भर के मैं इसे देख रही हूँ कि क्या सच में इसका कलर चेंज हो रहा है, ये नए जैसा हो रहा है। फिर मुझे लगता है कि शायद इसमें थोड़ा टाइम लगेगा मुझे, इसलिए मैं इसे इसमें डुबा करके रहने दूंगी थोड़ी देर के लिए। मुझे लगा था ये एकदम से चेंज हो जाएगा, लेकिन नहीं, थोड़ी देर के बाद इसका कलर अपने आप चेंज होने लगा है, ये बिल्कुल नए जैसा बनने लगा है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसमें थोड़े पीतल के बर्तन भी डाल दूँ, ताकि वो भी बहुत ही ज़्यादा नए, चमकदार, साफ़ सुथरे हो जाए। ये देखिए, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इसलिए मैं इसे छोड़ करके नहीं जा रही हूँ। मैं इसे लगातार देख रही हूँ कि मेरे आंखों के सामने देखते ही देखते इसका कलर कैसे चेंज हो रहा है। और फिर फाइनली मैंने इसे इसमें डुबा के छोड़ दिया और मैं कुछ और बर्तन जो है मैं सोच रही हूँ कि मैं उसे भी इसमें डाल दूँ, ताकि वो भी बहुत ही सुंदर, साफ, नए जैसा बन जाए। मुझे इसका कलर चेंज होना देखना बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य हो रहा था, इसलिए मैं यहाँ लगातार इसे सब तरफ से मिला रही हूँ। हाँ, अगर ये उसमें डूबा हुआ होता तो इसके लिए और आसान होता कि ये बहुत जल्दी मतलब कलर इसका चेंज हो जाता, लेकिन मैंने चाहा कि जो सॉल्यूशन है वो मेरा थोड़ा ज़्यादा असरदार बने, इसलिए मैंने कम पानी लिया है और मैंने वो पूरा पैकेट जो साइट्रिक एसिड पाउडर का था उसे मैंने उसमें डाल दिया। फाइनली मैं थोड़ा और बर्तन लाने के लिए सोच रही हूँ कि इसी में मैं एक बार में वो सारे बर्तन भी डाल दूँ तो वो भी जल्दी से साफ़ हो जाएंगे। देखिए इसका कलर कितना आसानी से चेंज हो रहा है बिना घिसे हुए, ये बिल्कुल नए जैसा हो जाएगा। इस बर्तन पे बहुत ही ज़्यादा पहले से दाग पड़ चुके थे, इसलिए शायद इसे इतना टाइम लगा, लेकिन अगर हम लगातार इस पानी में कुछ दिन पर इसे साफ़ करते रहेंगे तो मुझे लगता है सच में ये पानी में डालते ही इसका कलर चेंज हो जाएगा, ये नए जैसा हो जाएगा। अब मैं इसमें थोड़े और जो पीतल के मेरे बर्तन हैं उसे मैं इसमें डाल रही हूँ और मैं देखना चाहती हूँ कि क्या पीतल के बर्तन भी इससे आसानी से साफ़ हो जाते हैं। और फिर मैं बीच बीच में उसे थोड़ा चेंज कर देती हूँ उसके साइड को, ताकि जो पानी है वो सब तरफ लग जाए बर्तन में और वो साफ़ हो जाए। ये जो पीतल के बर्तन हैं इसे नॉर्मल डिटर्जेंट से जब हम साफ़ करते हैं तो वो साफ़ तो हो जाते हैं, लेकिन उसका कलर जो है वो बिल्कुल सुनहरे रंग का नहीं होता है। तो मुझे लग रहा है कि इस सॉल्यूशन से शायद ये सारे जो बर्तन हैं पीतल के उसका रंग बिल्कुल सोने के रंग जैसा हो जाएगा। और मैं इसे सब तरफ से डुबा करके इसमें थोड़ी देर के लिए मुझे छोड़ देना है, ताकि जो कलर है वो बिल्कुल चेंज हो जाए, साफ़ हो जाए ये। लेकिन मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इसलिए मैं इसे लगातार देख रही हूँ। ये मैंने कुछ घंटों के बाद मैं इसे देख रही हूँ तो वो कलर जो है वो तो बिल्कुल चेंज हो रहा है जो कि तांबे का है, बल्कि लेकिन यहाँ पीतल का जो रंग है वो मुझे उतना चेंज अभी नहीं हुआ दिख रहा है। तो मैं इसे थोड़ी देर और छोड़ दूँगी, मैं यहाँ 2-3 घंटे के बाद इसे चेक की हूँ। मैं सोचती हूँ कि आज मैं इसे 4-5 घंटे के लिए इसमें छोड़ देती हूँ, जब तक मुझे ये ना लगे कि इसका कलर जो है वो बिल्कुल चेंज हो गया। और हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा कलर साफ़ ज़रूर हुआ है, लेकिन ये बहुत लंबे समय से इसे किसी विशेष प्रकार के डिटर्जेंट से नहीं साफ़ किया गया था, इसलिए ये उतने ज़्यादा साफ़ नहीं थे कलर,
में इसलिए इससे साफ़ करने में थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन हाँ इसका कलर ज़रूर चेंज हो रहा है। जो पीतल के बर्तन है उसका कलर चेंज हो रहा है, तो मैं इसे थोड़ी देर और छोड़ दूँगी, 2-3 घंटे और छोड़ दूँगी। बीच बीच में आकर जब मैं देख रही हूँ तो मुझे लग रहा है कि जो पीतल है उसका भी कलर जो है वो बहुत ही ज़्यादा सुनहरे रंग का हो रहा है, और इसमें जो बहुत लंबे समय से जो दाग पड़ गए थे वो सारे जो है बिल्कुल आसानी से साफ़ हो रहे हैं। और ये शाम का समय हो गया है, 5-6 घंटे के बाद ये जो हमारा बर्तन है इसका कलर तो बिल्कुल ही चेंज हो गया है, और जो बाकी पीतल के बर्तन हैं उस पर भी जो दाग लगे हुए हैं, जो कि रखे रखे दाग लग जाते हैं, तो वो भी बहुत ही ज़्यादा हल्के हो गए हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अगर इसे थोड़ा सा साफ़ कर दिया जाएगा किसी डिटर्जेंट से या पीताम्बरी नाम का जो पाउडर होता है जिससे कि पीतल के बर्तन या तांबे के बर्तन को साफ़ किया जाता है, उससे अगर मैं इसे थोड़ा सा साफ़ कर दूंगी तो ये बिल्कुल नए जैसा हो जाएगा, क्योंकि जो उसका दाग है, जो स्टेन है, वो बिल्कुल बाहर आ गया है, लेकिन वो अभी इस बर्तन के ऊपर लगा हुआ है। ये शाम का समय है, 5-6 घंटे के बाद ये बर्तन इस तरह से दिख रहे हैं। तो मैं अब इसे पीताम्बरी नाम के जो पाउडर आते हैं जिससे कि पीतल और तांबे के बर्तन को साफ़ किया जाता है, उससे मैं इसे थोड़ा सा रब करके साफ़ कर दूंगी किसी स्क्रब से। तो मैं इसे ले जा रही हूँ, और अब तो मैं इसका कलर देख के आपको श्योर कर रही हूँ कि इसका कलर बहुत ही ज़्यादा चेंज हो गया है। तो आप भी इस हैक को ज़रूर ट्राई करें, आपके लिए भी बहुत ही आसानी होगा, आपके जो बर्तन हैं, जो पीतल और तांबे के बर्तन हैं, वो बहुत ही आसानी से साफ़ हो जाएंगे, और आपका घर भी बहुत ही सुंदर दिखेगा, आपका पूजा मंदिर भी बहुत सुंदर दिखेगा। तो अब मैं इसे साफ़ करने जा रही हूँ। ये पीताम्बरी पाउडर है जो कि किसी भी किराना शॉप या फिर जनरल स्टोर में मिल जाता है, उससे मैं ये पीतल और तांबे के बर्तन को थोड़ा सा मैंने स्क्रब कर लिया है इसे, ताकि जो दाग ऊपर आ गए थे वो सारे स्टेन से निकल जाए। अब मैं इसे धो रही हूँ और ये बिल्कुल नए जैसा बन गया। अब मुझे लगता है नए में भी इतना साफ़ सुंदर नहीं दिखता था जितना कि ये अभी दिख रहा है, और मैं इसे अच्छे तरीके से साफ़ कर रही हूँ पानी से। मैंने इसे बहुत ही अच्छे से साफ़ कर लिया है और ये बिल्कुल नए जैसा बन गया है। मैं इसे अच्छे से धो करके मैं अब ये दिखा रही हूँ, ये बिल्कुल नए जैसा मेरा ये सारा बर्तन जो है, पीतल और तांबे का बर्तन जो है, वो बिल्कुल ही साफ़ हो गया है। आप इस क्लीनिंग टिप को ज़रूर फॉलो करें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इंस्पायर्ड बाय ड्रीम्स। और आपके जो भी फीडबैक हो वो प्लीज़ मुझे कमेंट में दीजिए, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है उसे पढ़ने में। और आप ये देख सकते हैं ये बर्तन देखते ही देखते कितना सुंदर और नए जैसा हो गया है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगा, आप इसे ट्राई करें और अपने फीडबैक कमेंट में शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इंस्पायर्ड बाय ड्रीम्स। थैंक यू सो मच।